नमस्कार, वेलकम टू संजय हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इट्स अबाउट कंजम्पशन रिपोर्ट। और कंजम्पशन रिपोर्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों मेंटेन करना है, और कैसा फॉर्मेट हम लोग रेडी कर सकते हैं, मंथली कंजम्पशन हम लोग कैसे ट्रैक कर सकते। ऐसे भी आप लोगों को सबको पता है, लॉकडाउन चल रहा है तो मंदी आने वाला है, तो मैनेजमेंट की किस किस क्यों सुने, राइट? सो बहुत ही आसान है, मानता हूँ टेक्निकल टर्म्स में डेवलपमेंट बहुत हो चुका है, लेकिन टेक्निकल जितने भी डेवलप हो, जहाँ पे भी पहुँचे, हमें अपना जो मैनुअल वर्क हो तो रखना ही है। और मैनुअल वर्क जो रखेंगे हम लोग, उससे आपको आपके लिए बेनिफिट है, आपको ट्रैक करने में आसान होगा कि आपकी मंथली कंजप्शन क्या है। कंजप्शन इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउसकीपिंग एमिनिटीज, आइदर वाटर बॉटल हो या सोप हो, शैम्पू हो, लूफा पैड हो, कॉटन बॉल्स हो, कुछ भी हो, लाइक इट्स रिलेटेड विद द हाउसकीपिंग एमिनिटीज, राइट? सो इसको ट्रैक करने का बहुत ही आसान आइडिया है। मैं एंड ऑफ द दिस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक शीट अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आपकी मंथली कंजप्शन रिपोर्ट और प्लस डेली कंजप्शन रिपोर्ट। और मंथली जो कंजप्शन रिपोर्ट है, वो अगर छोटी प्रॉपर्टीज है जिसके पास सिस्टम्स नहीं है, तो यू कैन टेक द शीट और मंथली मैनुअल भी आप कर सकती हो। लेकिन अगर आपकी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो सिस्टम में आप एक्सेल पे मेंटेन कर सकते हो, जिस तरह से मैंने फॉर्मेट दिया है, और उसमें और भी आइटम्स आप ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से, आपकी सहूलियत के हिसाब से। मैं हमेशा आप लोगों को एक ही वर्ड बोलता हूँ, जो भी मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, जो भी फॉर्मेट आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, ये आपके रेफरेंसेस के लिए है, आप अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। और बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो है, लाइक 300 रूम्स, 150 रूम्स या 200 रूम्स में, उनमें कंजप्शन ट्रैक करने की उतनी ज़रूरत नहीं होता है। कंजप्शन ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन छोटी प्रॉपर्टीज़ में सिंगल रुपीज़ काउंट्स। सो मैनेजमेंट हमेशा हाउसकीपर्स को हो गया, सीनियर सुपरवाइजर हो गया, हाउसकीपिंग इंचार्ज हो गया, उनको हमेशा उनके पीछे पड़ा रहता है, पानी का कंजप्शन क्यों ज़्यादा हो रहा है, शैम्पू का कंजप्शन क्यों हो रहा है, और सोप सप्लाईज का कंजप्शन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। सो ये जो मंथली कंजप्शन रिपोर्ट है, उसके हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे मंथली कंजप्शन रिपोर्ट में फर्स्ट कॉलम में डाउन करके, जैसे मैंने आप लोगों को सप्लाईज का वो दे रखा है शीट में, और सेकंड कॉलम जो है वहाँ पे डेट का ऑप्शन है। डेट के हिसाब से आपका डेली कंजप्शन ऑल टुगेदर, आपने रूम बॉय को कितने आइटम दिया, वो आपके डे के हिसाब से, फर्स्ट डे, सेकेंड डे या डेट के हिसाब से आप डालते जाओगे। और एंड ऑफ द मंथ, लाइक 31st या 30th, वहां पे आपका टोटल कंजप्शन आ जाता है और कॉस्ट ऑफ द आइटम आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ द आइटम और टोटल कंजप्शन, इन दोनों को, टोटल कंजप्शन और कॉस्ट ऑफ द आइटम, कॉस्ट ऑफ द आइटम मीन इन द सेंस वन आइटम का आपके पास कॉस्ट कितना है, तो मंथली कंजप्शन जो है उसको आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट आ जाता है कि आपकी कंजप्शन कितना हुआ है। शैम्पू आपका मंथली कंजप्शन कितना हुआ है, सोप आपका मंथली कंजप्शन कितना हुआ है। आप फॉर्मूलाज भी डाल सकते हो, अगर आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम है तो आप फॉर्मूलाज भी, एक्सेल का फॉर्मूलाज भी डाल सकते हो। और उसी हिसाब से और एक शीट है, जिसमें मैंने रूम बॉय अटेंडेंट को आपने पानी सुबह कितना दिया, सोप शैम्पू कितना दिया, और रूम बॉय अटेंडेंट जैसे जैसे उनका, जैसे उनका भी वही कॉलम सेम है, सप्लाईज का नाम रहेगा और रूम नंबर्स रहेगा। रूम नंबर्स में जैसे 101, जस्ट फॉर एग्जांपल 101 में उन्होंने सोप कितना डाला, पानी कितना डाला, और उस तरह से आपका एंड ऑफ द शिफ्ट में कितना कंजप्शन हुआ, टोटल कंजप्शन कितना हुआ। ऐसे करके अगर चार आपके पास रूम बॉयज है, चार शीट आपकी रेडी होगी, चार शीट का जो टोटल जो है काउंट जो है, वो आप जो पहला वाला जो मंथली जो शीट आप मेंटेन करते हो, जिसमें एक तारीख लिखा है, वहाँ पे आप डालोगे तो आपकी कंजप्शन रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये कंजप्शन रिपोर्ट मेंटेन करने से आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, आपका हेवर में चीज़ें आपकी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में पानी का काउंट नहीं रहता है। हम लोग स्टोर से सामान तो इशू कर लेते, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि रिपोर्ट, देखिए सिस्टम में आपके पास सब कुछ है, लेकिन आज मैनुअल भी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया, खुदा ना खास्ता अगर सिस्टम क्रैश हो गया, तो आप करोगे क्या? तो जब आप मैनुअल मेंटेन करोगे, इससे आपको यही बेनिफिट होगा कि आपके पास काउंट रहेगा। जब भी एक हाउसकीपिंग डेस्क के पास या हाउसकीपिंग स्टोर के पास, अपने पास काउंट होनी जरूरी है,
मंथली हमारे पास स्टॉक हमने इतना इशू किया, इतना कंजप्शन हुआ, अगर कुछ मिसयूज हुआ है तो वहां निकल जाएगा आपके पास। ये बहुत ही आसान आइडिया है एंड दिस हैज बीन फॉलोड फ्रॉम एजेस। और यही चीज आपको मेंटेन करना है। बहुत जने मुझे बोला था कि कंजप्शन रिपोर्ट का रिपोर्ट बनाइए, तो आप लोगों के लिए ही मैंने ये रिपोर्ट रेडी किया है। छोटी प्रॉपर्टी के लिए हो या बड़ी प्रॉपर्टी के लिए हो, आप लोग के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और गाइज, इस तरह का रिपोर्ट अगर आप मेंटेन करोगे तो मार्क माई वर्ड, मैनेजमेंट आपको चू भी नहीं कर पाएगा, आपको मैनेजमेंट कुछ भी नहीं बोल पाएगा, और इवन रूम बॉयज को भी लिखने की आदत हो जाएगी। अगर उसने एक डाला तो एक, ऐसे करके रूम बॉयज को भी कुछ नॉलेज मिलेगा। गाइस, ये चीज को आप फॉलो कीजिए, आप लोगों के लिए है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। और अगला जो वीडियो है उसमें मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए हाउसकीपिंग सुपरवाइजर चेकलिस्ट का। आई थिंक मैंने आज एक व्हाट्सअप जो ग्रुप है वहाँ पे मैंने डाल दिया था कि चेकलिस्ट किस तरह से होनी चाहिए, उसको मैं एक्सेल फॉर्मेट में आप लोगों के रेडी करूंगा। सो गाइज, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट वर्ड, स्टे एट होम, बी सेफ।